नमस्ते दोस्तों, क्रिप्टो दोस्त के एक और एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए बड़ी ही शॉकिंग खबर लेके आया हूं। आपने शायद अभी तक ये खबर पढ़ भी लिया होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया रेगुलेटेड एंटिटीज को वर्चुअल करेंसीज के साथ डील करने से। रेगुलेटेड एंटिटीज यानी कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अब वर्चुअल करेंसी के साथ डील नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए न्यूज़ में क्या कहा है। India virtually banned cryptocurrencies like Bitcoin, with the Reserve Bank of India barring regulated entities from providing services to any individual or business dealing in digital currencies. तो obviously बात है, business जो digital currencies से deal करते हैं वो है cryptocurrency exchanges. तो banks जो है अब cryptocurrency exchanges के साथ काम नहीं कर पाएंगे RBI के इस mandate के बाद। एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो रेगुलेशन है वो भी इमीडिएटली बैंक्स पे इफेक्ट नहीं करेगा। बैंक्स को 3 महीने का समय दिया गया है कि वो ऑपरेशंस को बंद कर सकते हैं। तो आपके पास अभी भी 3 महीने का वक्त है कि आप अगर पैसे वगैरह निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। देख के निकालिएगा। अभी जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस अभी क्लैरिफिकेशन देंगे उसके बाद ही आप जो है कोई भी एक्शन लीजिएगा। अभी फिलहाल कोई एक्शन मत लीजिए। आप देखिए क्या हो रहा है इस खबर में और उसके बाद ही आप जो है कोई भी एक्शन लीजिएगा। तो ये देखिए आगे उन्होंने क्या कहा कि ब्लॉकचेन को वो प्रमोट कर रहे हैं लेकिन क्रिप्टो करेंसीज को वो प्रमोट नहीं करना चाहते। तो वो यूजुअल सा जो इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड रहा है। मैं तो बहुत सरप्राइज हूँ दोस्तों, एक तरीके से डिसअपॉइंटेड भी हुआ कि इंडिया ने जो है, इनफैक्ट RBI ने जो है ऐसा कदम लिया है। ये एक बात बता दूं दोस्तों, ये जो कदम है वो RBI के थ्रू लिया गया, ये इंडियन गवर्नमेंट का मैंडेट नहीं है। तो RBI जो हमारे बैंक्स और हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देखता है उसने ये डिसीजन लिया है, इंडियन गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन नहीं लिया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया है क्रिप्टो करेंसीज से, प्लीज़ आप ध्यान में रखिए। सिर्फ RBI ने ये बोला है बैंक्स को क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंजेस से डील करने से मना कर दिया है। तो एक तरीके का शैडो बैन हुआ है ये। हम ऑब्वियसली अगर बैंक्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के साथ काम नहीं कर पाएंगे तो हम पैसे कैसे डालेंगे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में। तो ऐसे एक तरीके का शैडो बैन है लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड ये नहीं है। ये मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। आगे ये भी बात चल रही है कि RBI शायद अपना खुद का एक डिजिटल करेंसी लेके आने वाला है। तो ये देखिए, इंडिया इज इन गिविंग अप ऑन द आइडिया ऑफ अ वर्चुअल करेंसी कंप्लीटली इन लाइन विद सेंट्रल बैंक्स अराउंड द ग्लोब। RBI इज मल्लिंग अ फियाट डिजिटल करेंसीज। तो ये तो मुझे नहीं पता ये कब लॉन्च होगा और इसके जो वर्किंग्स है कैसे होंगे। अगर वो रुपी के साथ ही उसका जो वैल्यू है टाइड होगा तो क्या फायदा ऐसे करेंसी में इन्वेस्ट करने का जिसमें अप्रिसिएशन ना मिले। तो पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन ये जो न्यूज़ है मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगा। इंडिया जहाँ पे अपने आप को डिजिटल इंडिया के रूप में प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, वर्ल्ड ओवर इतने कंट्रीज जो हैं क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े इकोनॉमीज जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, सब क्रिप्टो करेंसीज को लेकर पॉजिटिव है, लेकिन इंडिया ने ऐसा एक जो है इसको मैं रिग्रेसिव स्टैंड बोलूंगा लिया है। RBI ने एक तरीके से ब्लॉक करने की कोशिश की है इंडिया में जो रेवोल्यूशन हो रहा है। तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं और एज ए क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर कम्युनिटी मुझे लगता है पूरी इंडिया आज बहुत डिसअपॉइंटेड है। तो चलिए देखते हैं रिएक्शंस क्या है लोगों के। तो ये देखिए, जोसेफ यंग ने ट्विटर पे ये कहा था, इफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिड रियली अनाउंस अ बैन ऑन बैंक्स एंड एक्सचेंजेस डीलिंग विद क्रिप्टो करेंसीज, इट वाज अ मिसस्टेप। लीडिंग इकोनॉमीज लाइक यूएस, जापान एंड साउथ कोरिया मूविंग टुवर्ड्स प्रैक्टिकल रेगुलेशंस, दिस विल डू नथिंग बट आइसोलेट इंडिया। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट के स्टैंड के बाद की इंडिया जो है क्रिप्टो करेंसीज को बैन करेगा एक तरीके से। मुझे लगा रेगुलेट जरूर करेंगे, शायद ICOs वगैरह को बैन करते, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज को मुझे ऐसा लगा इंडिया रेगुलेट करेगा। लेकिन RBI ने जो स्टैंड लिया है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि बहुत रिग्रेसिव एक तरीके से, बहुत ही नी जर्क रिएक्शन लिया है, सोच समझ के लिया गया और स्टैंड नहीं है। आप जब मनी लॉन्ड्रिंग और ये आप जो टेररिज्म फाइनेंसिंग और ऐसे जब बात करते हैं तो मुझे इससे क्लियरली पता चलता है कि आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता नहीं है। मेरा एक ही स्टैंड है दोस्तों, क्या अभी रेगुलर फियाट करेंसी यानी कि रुपी डॉलर के साथ मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होता है? क्या अभी रेगुलर फियाट करेंसीज यानी कि रुपी डॉलर के साथ अभी टेररिज्म फाइनेंसिंग नहीं होता है? तो ये सब जो बातें हैं, आप कैसे आप सडनली क्रिप्टो करेंसीज को जो है विलन के रूप में ठहराते हैं? क्रिप्टो करेंसी तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है दुनिया के इकोनॉमी का, तो वो सडनली कहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग के काम आ गया? तो ये बहुत ही एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो ऐसा मूव हुआ है, और मैं डेफिनेटली होप करता हूँ कि ये मूव आगे जाके रिवर्स होगा। तो आइए देखते हैं वजीर एक्स और BitBNS ने क्या कहा इसके बारे में। तो ये देखिए, BitBNS ने आज ये टेलीग्राम पे किया है, तो उन्होंने भी वही बोला है कि सम गवर्नमेंट्स हैव टेकन अ स्टैंड व्हिच हैज बीन प्रोटेक्शनिस्ट, दिस इज द यूजुअल स्टैंड सम गवर्नमेंट्स टेक। और आगे उन्होंने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट्स जॉब शुड बी एबल टू फैसिलिटेट द नेक्स्ट वेव ऑफ टेक एंड एनकरेज इनोवेशन। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, अगर ऐसा कुछ होता है जहाँ पर इंडियन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर पाए क्रिप्टो करेंसीज में, और तो ऑब्वियसली ये जो इनोवेशन है थमता है इंडिया में। इंडिया को एज डिजिटल इंडिया हमें प्रमोट करना चाहिए कोई भी नए टेक्नोलॉजी को। बड़े बड़े कंट्रीज कर रहे हैं, छोटे छोटे कंट्रीज इसराइल टाइप के वो भी कर रहे हैं, तो क्यों इंडिया ने ऐसा स्टैंड लिया? बहुत सरप्राइज हूँ मैं। तो ये देखिए, अभी BitBNS ने ये कहा, इफ नाउ यूजर्स कैन कंटिन्यू ट्रेडिंग वी वुड एंश्योर द यूजर्स कम्युनिकेटेड ऑन द लेटेस्ट हैपनिंग्स। तो आप देखिए BitBNS को, आप ध्यान जरूर रखिएगा कि आपके एक्सचेंजेस कर क्या रहे दोस्तों। इसी तरह वजीर एक्स ने भी एक ब्लॉग लिखा है, तो ये देखिए, ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसीज वन सच अपॉर्चुनिटी दैट द यंग जनरेशन ऑफ इंडिया हैड अ चांस टू जंप अर्ली एंड अडॉप्ट। वी बीन प्राउड टू बी अर्ली अडॉप्टर्स ऑफ क्रिप्टोस एज अ कंट्री एंड वी फाइटिंग अ चांस एट बीइंग द फोरफ्रंट ऑफ द रेवोल्यूशन।
तो ये देखिए नी जर्क रिएक्शंस लाइक दीज आर व्हाट कैन कॉज द फ्यूचर जनरेशन टू बी लेफ्ट बिहाइंड। तो मुझे यही दुख होता है दोस्तों कि एज एन इंडियन इन्वेस्टर कि हम जो है वर्ल्ड के इन्वेस्टर से थोड़ा पीछे रह जाएंगे। आई होप ये जो बैन है जल्दी रिवर्स हो जाए, क्योंकि अगर नहीं रिवर्स हुआ तो डेफिनेटली जो है वर्ल्ड जो है जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा होगा वहाँ हम जो है इस मार्केट का फायदा नहीं उठा पाएंगे। मैंने जैसे कि कहा है ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ वेल्थ है क्रिप्टो करेंसीज, तो ऐसे में अगर इंडियन इन्वेस्टर्स को थोड़ा पैसे कमाने का मौका मिल रहा है तो उसमें बुरा क्या है। मेरे जैसे यूट्यूब चैनल हमेशा आपको ये बोलते हैं कि आप ज़्यादा मस्त इन्वेस्ट कीजिए और इंडियन इन्वेस्टर्स इस चीज़ को समझते हैं दोस्तों। तो एक दो स्कैम्स की वजह से या अगर आप टैक्सेशन के अंदर नहीं ला पा रहे उस वजह से ऐसा डिसीजन लेना मुझे बहुत ही गलत लगा ये। तो ये देखिए क्या क्या होगा इस वजह से, मैसिव वेल्थ इरोजन ऑफ ऑल टैक्स पेइंग पीपल, तो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा, इंडिया जो है ग्लोबल क्रिप्टो रेवोल्यूशन से बाहर हो जाएगा। ये देखिए कुछ लोगों ने ट्रेडिंग करने के लिए अपने जॉब्स भी छोड़ दिया, हालांकि ये मैं कभी रेकमेंड नहीं करता, लेकिन ऑब्वियसली बात है उनको एक सोर्स ऑफ इनकम उनका जाएगा। और अभी जो है बहुत सारे इन्वेस्टर शायद कोशिश करेंगे कैश या ओवर द काउंटर खरीदने की, तो प्लीज़ मैं आपको ये बता दूं दोस्तों प्लीज़ आप कैश के साथ डील मत कीजिएगा क्रिप्टो करेंसीज में। आप रुकिए जब इंडिया वापस इस बैन को रिवर्स करेगा या जब इंडियन गवर्नमेंट को क्लैरिटी लाएगा रेगुलेशंस को लेकर। अभी जून में एक रिपोर्ट आने वाला है गवर्नमेंट के पास, जो एक उन्हें कमेटी बिठाई हुई है क्रिप्टो करेंसीज को लेके, तो जून में एक रिपोर्ट आने वाला है, उसके बाद हो सकता है ये जो रेगुलेशन इसमें और क्लैरिटी आए। तो उस तक प्लीज आप कोई कैश के थ्रू या कोई और तरीके से प्लीज आप क्रिप्टो करेंसी खरीदने की कोशिश मत कीजिएगा, प्लीज लॉ के सही साइड पर रहिए, अपना पैसा आप रिस्क में मत डालिए। तो ये देखिए व्हाट कैन वी डू बोला है इन्होंने, एक अच्छी बात कही है दोस्तों, एट टाइम्स लाइक दीज वी नीड टू स्टिक टुगेदर एंड हैव वन वॉइस दैट गेट्स लाउड इनफ दैट द गवर्नमेंट स्टेप्स इन एंड हियर्स अस आउट, वी आर अ डेमोक्रेसी एंड वी शुडंट बी डिक्टेटेड टर्म्स दैट वी आरंट राइट फॉर अस। तो उन्होंने ये कहा है कि हमें एज वन वॉइस हमें इस जो ये न्यूज़ है उसको अप्रोच करना चाहिए और इसके अगेंस्ट जो है एक वॉइस में हमें आवाज़ उठानी चाहिए इसके अगेंस्ट, क्योंकि ये गलत है दोस्तों कि आप अपना जो खुद का पैसा है आपको कैसे कोई बैंक रोक सकता है कहीं भी डालने से, आप जहां डालते हैं वो आपका खुद का डिसीजन है, तो कैसे कोई बैंक RBI आपके खुद के पैसे को नहीं रोक सकते, ये गलत है। अभी आपको अगर पता नहीं है तो इसराइल में भी ऐसा कुछ हुआ था कि बैंक्स ने जो है वहां पे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के साथ काम करने से मना कर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां के एक रूलिंग किया था कि बैंक्स ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा आई होप आगे जाके अगर ऐसा कुछ ज़्यादा हो जाए सिचुएशन, तो मुझे नहीं लगता आगे अगले 3 महीने में क्या होगा, अभी आपके पास 3 महीने का समय है, हो सकता है आगे जाके एक्सचेंजेस वगैरह जो हैं सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करें या हो सकता है गवर्नमेंट को भी अप्रोच करें कि एक रेगुलेशंस लाएं और ये जो बैन का है रिवर्सल हो जाए। तो ये देखिए एक मैंने आज एक इंटरेस्टिंग ट्वीट देखा, मुझे नहीं पता ये ट्वीट कितना जो है लेजिटिमेट है, पर ये देखिए उन्होंने ये कहा क्रिप्टो इज नॉट बैंड बाय RBI, न्यूज़ इज दैट ऑल द एंटिटी अंडर RBI विल नॉट डील इन क्रिप्टोस। तो ये बात मैं आपको भी क्लैरिफाई करना चाहता हूं दोस्तों, RBI जो है क्रिप्टो करेंसीज को बैन नहीं कर सकता है, RBI जो है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को बैन नहीं कर सकता है, वो सिर्फ रेगुलेट करता है बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, तो सिर्फ उनको वो रोक सकता है लेकिन ये एक्सचेंजेस बैन नहीं हो सकते हैं। तो ये देखिए एक लॉयर है उनके, एक मेरे को ये ट्वीट मिला तो पता नहीं कितना लेजिटिमेट है, पर ये देखिए उन्होंने ये कहा है वी हैव चेक द RBI प्रेस रिलीज व्हिच हैज क्रिएटेड दिस फड, सो व्हाइल वी कैन आल्सो वेट फॉर द पब्लिक इन्फो फ्रॉम एक्सचेंजेस ऑफ द सर्कुलर टू बी इशूड, वी हैव डिसाइडेड टू एनालाइज इफ अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैन बी फाइल्ड। तो कुछ लोग बात कर रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, अगर बैंक काम नहीं करते क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के साथ, जैसे मैंने आपको कहा आपका बैंक आपको नहीं रोक सकता पैसे कहीं डालने से, तो हो सकता है एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल हो जाए, एंड इफ यू कैन गेट सपोर्ट फ्रॉम दिस ग्रुप एंड बिकमिंग सिग्नेटरीज टू दैट PIL, वी हैव वैलिड पॉइंट टू रीच ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फॉर दिस। तो हो सकता है आगे जाकर अगले 3 महीने के अंदर ही एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी हो जाए दोस्तों। तो ये सब चीजें होने वाली अगले 3 महीने में, हमें देखना जरूर पड़ेगा। आई एम श्योर ये एक्सचेंजेस वगैरह जो हैं और जो एसोसिएशन हैं इंडिया के ब्लॉकचेन के, वो सब एक साथ आएंगे और RBI को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट के आगे प्रपोजल्स रखेंगे कि इस सिचुएशन के साथ कैसे डील किया जा सकता है। तो अभी आप पैनिक मत होइए दोस्तों, अभी आप होल्ड करके रखिए, आप देखते हैं अगले 3 महीने में क्या हो रहा है। तो ऑब्वियसली आपका अगला सवाल ये होगा कि एज एन इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए। तो आपके पास 3 रास्ते हैं दोस्तों। सबसे पहला तो ये कि अगर आप ट्रांजैक्शंस वगैरह कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपके पास 3 महीने हैं, अभी आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज। अभी देखिए ये जो न्यूज़ आते ही जो प्राइस बहुत गिर गया था, मैंने इथेरियम का प्राइस जो देखा था 21,000 के आसपास देखा था, मैंने बिटकॉइन का प्राइस 3.5 लाख के आसपास देखा था। तो एक तरीके से ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि ऐसा न्यूज़ आया है, लोगों ने ऑब्वियसली पैनिक सेलिंग चालू किया है, तो हो सकता है ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी हो। मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूं अभी बाइंग दोस्तों, लेकिन अगर आप बाय करना चाहते हैं तो हो सकता है आपको जो बड़े बड़े कॉइन्स है वो डिस्काउंट पे मिल जाए, तो एक अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली आपके पास बाइंग की। दूसरी, अगर आप सेल करके पैसा अपना वापस बैंक की तरफ लाना चाहते हैं तो आपके पास 3 महीने हैं अभी, आप पैसा वापस ला सकते हैं अगर आपको उस पैसे की जरूरत है। तो बस पैसा लाने के पहले आप ये कीजिएगा कि आप थोड़ा सा अमाउंट पहले निकालिए, पहले देखिए 500,000 निकाल के कि वो अमाउंट आपके पास आ रहा है कि नहीं, आपका क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो है वो पैसा इजीली ट्रांसफर कर रहा है कि नहीं आपके अकाउंट पे। अगर वैसा हो रहा है तभी आप पैसे निकालिए दोस्तों, वरना हो सकता है आपके पैसे अटक जाए। तो पहले छोटे अमाउंट के साथ ट्राई कीजिएगा, उसके बाद बड़े अमाउंट के साथ विड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये है वो स्टेप जो ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं, तो आप इन्वेस्ट और कर सकते हैं और आप ट्रांजैक्ट भी कर सकते हैं। आप सबसे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड जरूर करूंगा कि आप जो है उसको इंडियन एक्सचेंज में मत रखिए, क्योंकि मुझे नहीं पता इन 3 महीनों के आगे क्या होने वाले
इंडियन एक्सचेंजेस के साथ। तो मैं आपको एक चीज रेकमेंड करूंगा, क्रिप्टो करेंसी को प्लीज अपने वॉलेट पे रख लें। आपके पास अगर हार्डवेयर वॉलेट है लेजर नैनो जैसे तो उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, या जैसे माई इथर वॉलेट है या दूसरे वॉलेट है जैक्स एक्सोडस वगैरह, वहां पे आप ट्रांसफर करके रख सकते हैं। प्लीज इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में रखिएगा मत। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अकाउंट बना लें इनके साथ। और यही मैं एडवाइस दूंगा, मेरा जो सेकंड एक्शन आइटम है वो है दूसरे लोगों के लिए जो होल्ड करके रखना चाहता है, अभी जो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, अभी जो ऐसे अनसर्टेन एनवायरनमेंट में ट्रांजैक्शंस नहीं करना चाहते हैं, तो आपको मैं ये बोलूंगा कि अभी आप होल्ड करके रखिए। लेकिन आप जब होल्ड करेंगे तो आप प्लीज उसे इंडियन एक्सचेंज में होल्ड मत कीजिए। मैंने जैसे ये खबर आई, मैंने इंडियन एक्सचेंज में जो थोड़ा बहुत मैंने क्रिप्टो करेंसी रखे हुए थे उसे मैंने दूसरे इंटरनेशनल एक्सचेंज में ट्रांसफर कर लिया, उसे मैंने अपने वॉलेट्स में ट्रांसफर कर लिया, तो थोड़ा मैं डाइवर्सिफाई करके इधर उधर मैंने जो है मेरे क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर कर लिया है। तो मुझे लगता है जो आप में से होल्ड करना चाहते हैं आप ये कीजिए। तीसरा, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, अभी 2-3 महीने जो है दोस्तों शायद आप इन्वेस्ट नहीं कर पाए अगर आप बैंक्स के साथ डील कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस, तो आपको क्या करना है कि आप जानिए, आप पढ़िए इस रेवोल्यूशन के बारे में, आप पढ़िए इस टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर आपने बिटकॉइन का वो वाइट पेपर नहीं पढ़ा है तो पढ़िए, इथेरियम के बारे में पढ़िए, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स नियो के बारे में पढ़िए, पढ़िए क्या कर रहे हैं लोग, ब्लॉकचेन के बारे में जानिए, देखिए लोगों का क्या क्या हो रहा है, क्या इनोवेशन हो रहा है, कैसे इनोवेशन आया, हिस्ट्री क्या है, आप इन सब चीज़ों के बारे में जानिए, एजुकेट होइए, ताकि जब ये वापस रिवर्सल आए, ये देखो दोस्तों मेरे को तो ये बहुत ही पक्के से लग रहा है कि इस चीज़ का रिवर्सल ज़रूर होगा। ये जो है इंडिया में जब इतने सारी एक स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर कम्युनिटी है, वो मुझे नहीं लगता है इस चीज़ को ज़्यादा चलने देगी। ये जो है बैन मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है रिवर्सल जरूर होगा। एक ही हो सकता है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट भी खुद बैन करना चाहता है क्रिप्टो करेंसीज को, तो फिर मुझे नहीं पता क्या होगा आगे। लेकिन अगर ये सिर्फ बैंक की ओर से दिया गया है, ये सिर्फ आरबीआई की ओर से मूव है, तो मुझे लगता है रिवर्सल होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं आगे जाके। मुझे लगता है जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं और जो दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सब बात जरूर करेंगे। तो ये बहुत अच्छा टाइम है अपने आपको एजुकेट करने का, ताकि जब आपको वापस अपॉर्चुनिटी मिले क्रिप्टो करेंसी खरीदने का तो आप खरीद सकते हैं ज्यादा इंटेलिजेंटली, तो ये भी आप एक काम कर सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों इसके अगेंस्ट आप बोलिए सोशल मीडिया पे, अगर आपके पास यूट्यूब चैनल्स हैं, आप दूसरे यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो प्लीज़ आप इसके अगेंस्ट बोलिए। आप बेसिकली एक जैसे वजीर एक्स के उस ब्लॉग में लिखा था कि आप एक वन वॉइस के साथ इस चीज़ के अगेंस्ट बोलिए, क्योंकि ये जो है ये सही नहीं है इंडिया के फ्यूचर के लिए, सही नहीं है डिजिटल इंडिया के विजन के लिए। तो प्लीज़ 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 आप एक वॉइस के साथ आप इसके अगेंस्ट बोलिए, इसके अगेंस्ट सोशल मीडिया पे लिखिए, ट्वीट कीजिए, फेसबुक पे पोस्ट डालिए, और भी जो आपके सोशल मीडिया पोस्ट प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे आप जाइए, इसके अगेंस्ट लिखिए और अवेयरनेस बढ़ाइए इस चीज़ के बारे में, ताकि ये जो चीज़ है इसका रिवर्सल बहुत जल्दी हो जाए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों। वीडियो के भी नीचे प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है इस रेगुलेशन के बारे में। और अभी जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं मोटिवेटेड रहता हूँ कैसे वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाते रहूँ। वीडियो के नीचे ही एक सब्सक्राइब बटन है, बस उसे आप टैप कर दीजिए। और अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप मुझे thecryptodost@gmail.com पर भी लिख सकते हैं, और आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए द क्रिप्टो दोस्त मेरा ट्विटर आईडी है, और जैसे मैंने ये कहा है सब दोस्तों सामने कि हियर्स व्हाट वी थिंक अबाउट आरबीआईज शैडो बैन ऑन क्रिप्टो करेंसीज, फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट यू, देन यू विन, वी आर राइट नाउ फाइटिंग, वी ऑल नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, बहुत सारे सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशंस जो है क्रिप्टो करेंसी के इस डिसेंट्रलाइज पावर की वजह से जो है डरे हुए हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज कर रहा है क्रिप्टो करेंसीज, जो बहुत सालों से है एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस उनको चैलेंज कर रहा है। ऑब्वियसली बात है वो इसको फाइट जरूर करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है महात्मा गांधी जी का जो कोट है इस सिचुएशन में बहुत बैठता है, अभी वो फाइट कर रहे हैं हमारे साथ, आगे जाके शायद हम ही जीतेंगे। तो आई होप हम जीते आगे जाके, तो प्लीज आप इस रेवोल्यूशन में हमारे साथ रहिए, होल्ड कीजिए पेशेंटली। जय हिंद, थैंक यू।